बादल बरसा भीर इधर से ट्रैकर के ऊपर आ रहे हैं, हम ट्रैकर के नीचे जाएंगे। चलो भाई चलिए, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं तो भाई ले लेता हूँ रहेंगे। एंड टुडे इज द लास्ट डे एट कालिंचौक, हमारे जो लास्ट डे कालिंचौक में, ओवरऑल डे 6 ऑफ आवर ट्रिप। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, 1st of January 2024, एंड आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स द बेस्ट आउट फॉर यू, ब्रिंग्स द बेस्ट पॉजिटिविटी आउट फॉर यू। एंड आज जो है हम सुबह सुबह निकल रहे हैं फॉर द सनराइज, एंड इट इज एट द पॉइंट ऑफ 3842 meters, इतनी हाइट पे हम जा रहे हैं फॉर कालिंचौक माता मंदिर। उनके लिए हम वहां पर जा रहे हैं जो कि शिव जी का भी मंदिर माना जाता है साथ में। सो मिलता है आपसे हम अब केवल का स्टेशन पे चल के, एंड हियर वी गो एंड वी आर ऑफ टू द स्टार्ट। ये हमारी जो आज की यात्रा स्टार्ट हो गई है, ये हमारे सामने नया बीच शक्ल दिख रही है, पहले लाइव नहीं थी। एंड दिस इज आवर डियर बीच, एंड दिस इज योर लवली मी मिस्टर स्नो सिंह। उधर आपको दिख नहीं रहा होगा बट बादल बादल हुए पड़े, हवा बहुत चलती है। इधर जो हल्की हल्की लाइट आ रही है, इधर लग रहा है उजाला हो गया है। अंदर की एंट्री, तो इधर ऊपर ना टेंट पे पहुंच के रुकते हैं। तो हम यहाँ पर टॉप पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल टॉप पे, एंड व्यू यहाँ से बहुत ज्यादा सुंदर है। वो जो जी सनराइज होगा ते नाउ यू गाइस एंजॉय दिस टाइम लैप्स ऑफ द सन राइज एंड द विल मीट यू। ये देखकर तो लो साल लगे दर्द है, थोड़ा साल होगा रिलैक्स करूँगा उसके बाद मिलूँगा। ट्रू ट्रू बादल बरसा भीर यो 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 पानी। भाई हो गया सनराइज भी, निकल आए प्यारे सूर्य देवता। न्यू ईयर का पहला सनराइज इन नेपाल एट दिस लवली मंदिर। सो गाइस ये था मंदिर जो कि कालिंचौक माता का मंदिर, एंड यहाँ पर रहता है पानी चलता रहता है पूरे साल। पूरे साल रहता है, कुंड में रहता है, कुंड में पानी रहता है। अच्छा, शिव जी के त्रिशूल, शिव जी ने त्रिशूल मारा था पत्थर में, वो मानते हैं कि वहाँ से पानी निकलता है। तो अभी हम अंदर माता देखा है, अंदर देखा है, एंड वापसी में जो है अपन ट्रैक करनी थी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रास्ते में मिलते हैं आपसे। शो अभी अपनी शूट डाल रहा, मैंने डाल लिया ऑलरेडी, एंड वी लेट्स गो। इधर से ट्रैकर के ऊपर आ रहे हैं, हम ट्रैकर के नीचे जाएंगे। ये आ रहे हैं मिस्टर स्लूप सिंह ब्लॉग, जा रहे हैं अपने कालिंचौक के दोस्त। लेफ्ट पे भी खाई है आपके, चेक करो, और राइट पे भी खाई है आप, चेक करो, चेक कर, चेक कर। मैं तेरे को
मोए मोए जाना है इस बार सामने उस रोड पे जाना है हमारे को। अभी इधर में इधर से घूम के वो आ जाना है। गाइस दिस इज ऑल दिस ट्रैक इज जस्ट ऑल डेडिकेशन फॉर फोटोज फॉर इंस्टाग्राम। तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना प्लीज। ये पेड़ ऐसे यहाँ से काटते हैं कि अपने आप टूट ये काटे हुए सारे अंदर से पूरा खोखला था ऐसा ही था इसको काट दिया और लग दिया हम बॉनफायर के लिए। अच्छा अच्छा बॉनफायर के लिए ठीक है। ओह यहाँ पे भी विलेज है छोटू का नाइस। गाइस हम अपना इतने चले हैं बिल्कुल ही प्लेन एरिया। देखो गाइस ये देखने के लिए सुबह सुबह उठना वर्थ इट है कि नहीं खुद बता दो यार। ए देखो ये लाड़ती है सब मेरे व्यू के हमेशा बीच में बैठा रहता है। ओए ब्रेक फिगर इन्ने सोने व्यू दे बीच आके कटिया काम खराब कर देता। अपन इन्हें स्किप कर देना गाइस अपन इधर उधर रहने। और ये है हमारे भैया जो आज हमारे को लेकर आए। भैया आप कितनी बारी मतलब कितनी देर में अगर आप अकेले आओ तो कितनी देर में ऊपर नीचे कर लोगे टोटल? आधे घंटे में ऊपर और आधे घंटे में नीचे कि नीचे जाना ज्यादा आसान है? नीचे जाना 20 मिनट 15 मिनट। और ये देखो भाई ये है गौरी कैलाश पर्वत। कल हम वहां से देख रहे थे ना कलम पता कहाँ पर थे? यहाँ पर थे कलम वहां से इधर की तरफ पे देख रहे थे आज इधर से हम वहां देख रहे हैं यहाँ पर थे एंड आफ्टर दैट हम इस वाली पहाड़ी पे भी घूम गए। आज हम वो वहां जाके आए वो ऊपर जो देख रहा वहां पे मंदिर है एंड वहां से करते 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 इधर से घूम के वी आर हियर नाउ। Just seems like heaven, man. The badal pahad. Himalayas. Officially the first yak of our whole trip. लाइक मैन ऐसा व्यू कहाँ ही मिलेगा ना ऐसा व्यू आप फिर भी देख लोगे कहीं बट ये हिमालय का व्यू कहाँ से मिलेगा भाई आपको। हम ना ये इस रोड से आए थे कल परसों ये रोड से ऊपर आते लोग ये रोड से आते और वो करते हैं एंट्री वहाँ से एंड नीचे की तरफ जो है विलेज की तरफ चल जाते इधर से रास्ता कोई नहीं ये कोई ट्रैक जैसी बनी हुई है। हाँ तो भाई वन लास्ट बार इसको हम देख लेते हैं गौरी पर्वत एंड द होल व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। पता नहीं कब अगली बार दोबारा से देखने पे मिलेगा कब नहीं मिलेगा एंड वी विल बी डायरेक्टली हेडिंग बैक टू द होटल नाउ बस फोन की बैटरी भी डेड होने वाली है एंड हमारे को भूख लगी ब्रेकफास्ट भी करना है। सो विल मीट यू एट द होटल नाउ डायरेक्टली एंड लेट्स गो। चलो आइए चलिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड वी आर ऑफ टू काठमांडू। आज काठमांडू पहुंच गए कल एक और दिन काठमांडू में लगाएंगे परसों उस दिन में वापसी के लिए जब के लिए तो उम्मीद है आपसे हम अभी आगे रोड पे 6 से 7 घंटे लगेंगे पहुंचने में। सो या लेट्स सी और ये लोग जो खराब रोड थी उसका एंड मोस्टली यहाँ तक आ गया है।
अब आगे जो सही रोड आ जाएगी। भाई आज गर्मी हो रही है, माय गॉड इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सो वी आर फाइनली ऑफिशियली आउट ऑफ कालिंचॉक कुरी विलेज ब्रो। यो हे गाइस, हम रुके हैं खाना खाने के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग। मैं तो भाई ले जाऊंगा नूडल्स खाएंगे, वो भी बेस्ट है, टेस्ट। मैंने उसे कह रहा कि नूडल्स है, मैं नहीं, देखिए चाइनीज नूडल्स है, चाइनीज नूडल्स नाम ही पहली बार सुने, तने चिपकाए है जस्ट, वो है कि सिंपल नूडल्स ही है। ते मैं तो गाइस जस्ट ले जा रहे हैं एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट। अब आगे चल के ले जाके ठिकाने। हेलो भाई, हम दोबारा गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड वी आर गोइंग अहेड। गाड़ी में बैठे आगे निकल रहे हैं। वी आर रेडी टू निकलो भाई, भाई साहब ने अपना हेलमेट डाल लिया, हमने भी अपना मूडा किया एंड वी आर ऑल रेडी टू गो। चलिए बेटे आप आज पिज्जा हट जाकर रहना, पिज्जा हट दा पिज्जा खावांगे बेबी, फकिंग पिज्जा हट बेबी। पहली बार नेपाली खाने तो लोगों कुछ नसीब हो गए। एग्जैक्टली ब्रो, या मोमोज खा रहे हैं या थकाली थाली खा रहे हैं। एग्जैक्टली थकाली थाली ने तो मैंने थकाता ब्रो। चलो हम चलिए, एंजॉय टू एम ऑन। So, bye. How are you, first of all? This is my channel, this is my vlog. You want to say something then? Just subscribe, follow, and then just click and bell icon. Ah, thank you very much. So, his name is Shri Shri? Yeah, Shishu, yes. Shishu. Yeah. And he's from Kathmandu only, yeah. Right? And he's working over here, London Cafe. Super chill vibe, you can see around here, guys. This is such a cool vibe. Thank you very much for hosting us, man. थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम जब हम काठमांडू में रुके थे गाइस, इन्होंने हमारे को होस्ट किया था, तब मैंने व्लॉग बंद कर दिया था, बट टुडे वी आर हियर व्लॉगिंग राइट नाउ एंड ही विल बी गिविंग अस सम कॉफी एंड सम शेक। आई एम नॉट टेकिंग कॉफी टुडे बिकॉज लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड ब्रो, यू टेल अस प्लीज। यू टेल लास्ट टाइम यार, जो करण ने जो पटाखे पाए ना, गल्ला दे पटाखे मतलब बोलने वाली गल्ला दे, ये बंदा चुप ही नहीं होया लगातार, पा 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 पा, एवी नहीं कहा कि लगातार पा पा पा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦੋਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਆਂਟੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਅੰਕਲ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਈਬ ਮੈਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, कपड़े लान लग गए अंकल, कपड़े लान लगे जिप से रिमूव कर रहे, हाथ फड़ के मैं अंदर आ गए, देखो गर्म है पसीना आ रहा है, टोपी लाई, बिलकुल गंजा अंकल से टोपी लाई, टोपी सिर के उत्ते, कहता देखो तेल आ रहा है, तेल आ रहा है, गंजा बंदा इन्हू कह रहा। इन दी एंड इन्हों पूछा कि सरदार जी आप सिंगल हो, नहीं आप कार्ड दिखा, हाँ नेपाल में प्यार बहुत ज्यादा है आपके लिए, अगर आपको जिंदगी में कभी प्यार की जरूरत हो ना तो ये है मेरा कार्ड, इस कार्ड मेरे पास आए मैं आपको प्यार दूंगा, नहीं मैं आपको प्यार दूंगा, मेरे पास आइए मैं आपको प्यार दूंगा। बहुत ज्यादा स्टोरी मोड करके दसता है, पता है, बहुत ज्यादा स्टोरी मोड करके दस कुछ और रहता है, देख देख उन्हें हाथ लपाया नहीं, अंदर छोटा लगवाए सी। सो व्हाट हैपेंड एट लास्ट वाज, उसने कहता है नेपाल में बहुत प्यार है, मैंने कहा हाँ जी पूरी दुनिया में प्यार होना चाहिए, मैं अभी प्यार ढूंढने के लिए आया हूँ वहाँ पर, इंडिया में तो मेरे को मिल नहीं रहा। कहता हाँ आप कितने साल के, मैंने कहा 20 साल, आपकी शादी हो गई। मैं क्या नहीं अंकल अभी तो पढ़ते हैं,
अच्छा जब प्यार प्यार मिला नहीं आपको? मैंने कहा नहीं अंकल अभी नहीं मिला। कहते अच्छा ठीक है शादी करनी होगी प्यार ढूंढना होगा ना तो ये लो मेरा कार्ड मेरे पास आ जाना, हम शूटिंग और शर्टिंग का काम करते हैं यहीं पर पास ही में। ठीक है अंकल पक्का अगली बार। बेसिकली मैं आपको क्या दूंगा अपने कपड़ों के साथ? शर्ट का फटा अपने कपड़ों के साथ? ये ज्यादा रहा गाइस। नहीं ओ मेरी व्याधि का गल करन ते आ गया सी गाइस। हम साडी शॉप कॉफी शेक्स वगैरह आ रहे उस दिन हमें मिल रहे। आज मैं कॉफी नहीं पी रहा बिकॉज उस दिन एक्सट्रीम हो गया सी। तो गाइस मेनू तो कॉफी दे नशे होंदे मन्या जांदा कैफीन है, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਗਾਈਸ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦ ਤੱਕ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰਿੰਕ ਯੂਅਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। लो भाई ये शेम जी की कॉफी आ गई है एंड ये हमारे आ गए शेक। ओह माय गॉड ये आइसक्रीम कैसे खाऊं भैया पहले मेरे को ये बताओ। हल्की से दबाऊंगा सारा शेक नीचे गिर जाएगा। अरे वो तो ठीक है शेक जो नीचे गिरेगा उसका दबाने पे वो, अब इसको ऐसे ऊपर ऊपर से खाऊं क्या? तो कुछ प्लेट वगैरह दे दो या वी कैन डू दैट एज वेल, बट आइसक्रीम भी खा सकते हैं। Right here. That is much more than ice cream. 15 minutes later. Is यहाँ पर हम आए थे पार्किंग में, यानी तो पार्किंग का जो गेट है ये यहाँ पर एक गार्ड खड़े, तो हमने उनसे पूछा कि कहाँ पर जाने, और कहते एक मिनट रखो। फिर मेरे पाजी बोला फिर सत श्री अकाल बुलाई, अरे इतना अच्छा लगा ना। सो ये है गाइस पिज़्ज़ा हट एंड वी विल बी एंटरिंग हियर फाइनली एट पिज़्ज़ा हट। हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं एंड मैंने अपने पार्ट खा लिया। ये भाई साहब फोन छोड़ दो अपना पिज्जा। थैंक यू पिज्जा भी आई तो ये है मेरा पिज्जा, ये है ये मिस्टर का पिज्जा। ही विल एंजॉय हिज, आई विल एंजॉय माइन एंड विल मीट यू आफ्टर ईटिंग द पिज्जा। सो गाइस वी आर फाइनली ऑल डन, ऑफिशियली ऑल डन फॉर द डे। यहाँ पर खाना पीना कर लिया है शिवम जी ने, अपने थोड़ा सा पिज्जा छोड़ दिया था, हमने यहाँ पर बचा लिया है और पैक करा लिया है। शिवम जी मैं को दोबारा से होटल पर लेके जाएंगे। होपफुली आपको जो आज का ब्लॉग है वो अच्छा लगा, होपफुली आपको आज का दिन जो है वो हमारा अच्छा लगा हो, जो ट्रैक थी जो ओवरऑल जो सनराइज का जो हमने व्यू दिखाया था वो आपको अच्छा लगा हो। नाउ विल बी हेडिंग बैक टू द होटल एंड मीट यू टुमारो फॉर द ऑलमोस्ट द लास्ट डे, मतलब फाइनल डेज हम रीच कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स के फॉर दिस सीरीज एंड विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग इन द होटल। तब तक गाइस गुड बाय, टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आज का फेवरेट पार्ट। मिलते हैं आपसे हम कल, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।